हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इन ए कॉलम इज टेकन एज। जो लेटरल टाइज का डायमीटर होता है कॉलम में, वो कितना लेते हैं? तो हमने अज्यूम्स लेते हैं 5/4 डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm। ठीक है, ये हम लेटरल टाइज का डायमीटर कॉलम में लेके चलते हैं। या तो जो हमने डायमीटर लिया है उसका फोर्थ या फिर 6 mm, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो हम लेके चलते हैं। सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ग्रेटर ऑफ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm। व्हेन विड्थ वी इफेक्टिव डेप्थ डी ओवरऑल डेप्थ डी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए आरसीसी बीम सेल वी। तो एक आरसीसी बीम में जो मैक्सिमम एरिया होता है वो होता है 0.04 बी इंटू डी। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये जो डी है डेप्थ, ये कैपिटल डी है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, यहाँ पर पूरी डेप्थ है। ठीक है, कैपिटल डी, ये आपको ज़रूर याद रखना है। फॉर ए शॉर्ट कॉलम द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू इट्स एटलीस्ट लेटरल डायमेंशन शुड नॉट एक्सीड। जो शॉर्ट कॉलम है उसके लिए जो रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 12 से कम होनी चाहिए शॉर्ट कॉलम के लिए, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया भी है, SSC के एग्जाम में आया हुआ है। कॉन्क्रीट इन सी वाटर सेल बी एटलीस्ट ग्रेड इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। तो रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के लिए सी वाटर में जो मिनिमम ग्रेड कॉन्क्रीट हम यूज करते हैं वो M30 यूज करते हैं। ठीक है, M30 हम यूज करते हैं सी वाटर में मिनिमम ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए। ए बीम सेल वी डीम्ड टू बी ए डीप बीम। डीप बीम कब बोला जाएगा? यदि कंटिन्यूस बीम है तो 2.5 से कम होगा तो डीप बीम बोला जाएगा, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 2 आएगा। दोनों आपको डिफरेंस याद रखना है। कंटिन्यूस बीम के लिए इफेक्टिव स्पान टू ओवर ऑफ डेप्थ L/D की वैल्यू यदि 2.5 से कम है तो डीप बीम बोला जाएगा, यदि L/D की वैल्यू लेस देन 2 है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम तो उसको डीप बीम बोला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे कंटिन्यूस बीम के बारे में पूछा है। यदि यहीं पर सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पूछता तो 2 आंसर हमारा करेक्ट हो जाता। टारगेट स्ट्रेंथ फॉर द मिक्स प्रपोर्शनिंग FCK इज गिवन बाई। टारगेट स्ट्रेंथ होती है वो होती है फॉर्मूला FCK प्लस 1.65S। ये होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है FCK प्लस 1.65 इंटू एस टारगेट स्ट्रेंथ का। pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है लेस देन 6। 6 से कम नहीं होनी चाहिए pH की वैल्यू कंस्ट्रक्शन के लिए। डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। डीप बीम किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? डीप बीम आर डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली। ठीक है, डीप बीम को हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं। एज दी परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज होगी तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इंक्रीज होगी। परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज होगी तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। कॉलम के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो 12 mm से हम कम नहीं ले सकते हैं, 12 mm का तो लेना ही लेना है हमको। ठीक है, मिनिमम, तो डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन 12 mm। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है स्टील की प्री स्ट्रेसिंग के लिए वो हम 1500 N/mm² लेके चलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली 1500 N/mm². इफ़ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाई मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? थिनर बार प्रोवाइड करवा के, लार्ज नंबर में यदि हम थिनर बार प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि पतले बार हम यदि लार्ज नंबर में प्रोवाइड करवा देते हैं तो उससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए कॉलम इज, तो अभी आया था ये क्वेश्चन, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स का डायमीटर, तो मिनिमम डायमीटर 12 mm होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। इन ए क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए बीम
फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील एंड कंक्रीट विल साइमल्टेनियसली बी द सेम एज अज्यूम्ड इन डिजाइन। तो क्रिटिकल सेक्शन यानी कि बैलेंस सेक्शन के लिए जो स्ट्रेस है स्टील और कंक्रीट में वो साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि एक साथ होती है, समान होती है। स्टील और कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप होती है क्रिटिकल सेक्शन में, बैलेंस सेक्शन में, वो समान होती है, साइमल्टेनियसली होती है, जबकि हम अज्यूम करके चलते हैं डिजाइन के लिए। इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है शियर स्ट्रेस का वो पैराबोलिक होता है एबव न्यूट्रल एक्सिस और रेक्टेंगुलर होता है बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ये होता है क्या, शियर स्ट्रेस का डायग्राम, पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस और रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, मेनली अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एंड रेक्टेंगुलर होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरूप्स इज, स्टीरूप्स की जो मिनिमम स्पेसिंग है वो 6 सेमी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरूप्स इज 6 सेमी। इट इज़ यूजुअल नॉट टू प्रोवाइड थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब्स इन बिल्डिंग लेस देन, तो करेक्ट आंसर है इसका 7.5 सेमी। 7.5 सेमी से कम थिकनेस फ्लोर स्लैब्स में हम जनरली प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है। ए डबली रेनफोर्स्ड बीम इज यूज्ड व्हेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। डबली रेनफोर्स्ड बीम हम कब यूज करते हैं, जब डेप्थ और ब्रीड हमारी क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, यानी कि जब डेप्थ और ब्रीड हमारी फिक्स कर रखी हो तो हम डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करवाते हैं। और यदि हमको एस्थेटिक पर्पज से हम डिजाइन कर रहे हैं यानी कि गुड अपीयरेंस हो, उसके लिए भी हम डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम, न्यूट्रल एक्सिस का जो टी बीम का न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कहीं भी हो सकता है बीम में, चाहे फ्लेंज में हो सकता है, रिब में हो सकता है, बैब में हो सकता है, तो कैन एग्जिस्ट एनी वेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम। इफ़ द हील स्लैब ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हील स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में, वो टॉप ऑफ स्लैब में प्रोवाइड करवाते हैं। मेन रेनफोर्समेंट हम कैंटिलीवर बीम में टॉप ऑफ स्लैब में प्रोवाइड करवाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।